डाइटिशियन नेहा सिंह, डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आप सभी का डाइट जोन चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मिलेट्स के बारे में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सारे ही मिलेट्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमें मिलेट्स को हमारी डाइट में क्यों इंक्लूड करना चाहिए, उसके क्या क्या फायदे होते हैं जिस कारण से उन्हें हमारी डाइट में लेना चाहिए। जी हाँ, आज मैं कुछ ऐसे ही अच्छे और गुणकारी फायदे मिलेट्स के आपको बताने वाली हूँ कि आप खुद भी सोच में पड़ जाएंगे कि इतना छोटा दाना और इसके इतने मैजिकल और गुणकारी फायदे कैसे हो सकते हैं। एक्सपर्ट की अगर माने तो यदि आप सभी प्रकार के मिलेट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं तो आप कई सारी गंभीर बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इनके अदर कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, वही हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यदि हम फायदा नंबर वन की बात करें तो मिलेट्स को उगाने के लिए किसी भी प्रकार के कीटनाशक की जरूरत नहीं होती है, ये बिना पेस्टिसाइड यूज किए उगाए जा सकते हैं। और जब हम इनकी पैदावार को बढ़ा देते हैं तो ये हमारी धरती, हमारी अर्थ की गुणवत्ता को इम्प्रूव कर देते हैं, यानी कि जो मिट्टी है उसको इम्प्रूव करते हैं। और यदि हम फायदा नंबर दो की बात करें तो सभी प्रकार के मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं। ग्लूटेन फ्री मिलेट का उपयोग जो भी सीलिएक मरीज हैं, सीलिएक डिजीज से जो भी लोग पीड़ित हैं, वो लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर ग्लूटेन नहीं होता है। सभी प्रकार के मिलेट्स को सीलिएक मरीज खा सकते हैं और इनकी रोटी और इनकी अदर खाद्य पदार्थ को बना करके उसकी गुणवत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। फायदा नंबर तीन की बात करें तो मिलेट्स पोषण का खजाना माने जाते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स, फाइबर एंड विटामिंस, सभी प्रकार के एसेंशियल विटामिंस, प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। फाइबर इनसॉल्युबल, सॉल्युबल दोनों ही तरीके के फाइबर इसमें पाए जाते हैं, इसलिए ये हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों के लिए दो वरदान माने जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, सभी प्रकार के लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन ग्लूटेन सेंसिटिविटी वाले लोग भी इसको यूज कर सकते हैं, रोटी बनाने में, चावल बनाने में, किसी भी फॉर्म में इसको बना करके खाया जा सकता है। और यदि हम फायदा नंबर चार की बात करें तो एक्सपर्ट के अनुसार इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अम्लीय प्रॉपर्टी, यानी कि जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है उसको ये खत्म करते हैं, क्योंकि ये अल्कलाइन माने जाते हैं। सभी प्रकार के मिलेट्स अल्कलाइन रिच होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर के अंदर जो गंदी एसिडिटी होती है उसको खत्म करते हैं और हमारी बॉडी को अल्कलाइन बनाने में मदद करते हैं। तो अब हम बात करेंगे फायदा नंबर पांच के बारे में। फायदा नंबर पांच ये है कि जो भी खेती इसकी की जाती है, सभी प्रकार के मिलेट्स को जब ग्रो किया जाता है तो बहुत कम मात्रा पानी की इसमें रिक्वायर्ड होती है, कम पानी में ही हम इसको उगा सकते हैं, तो ये जितने भी सूखे प्रदेश हैं वहां पर आसानी से उगाया जा सकता है। कंपैरेटिवली चावल और गेहूं से यदि हम कंपेयर करें तो मिलेट्स में बहुत कम पानी जरूरी होता है ग्रो करने के लिए। तो अब बात करेंगे फायदा नंबर छह की। यदि हमारे सारे किसान भाई लोग मिलेट्स की पैदावार को बढ़ा देते हैं तो इससे हमारे देश का विकास होता है और हमारे जो भी किसान भाई हैं उनकी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार होगा। अब बात करेंगे फायदा नंबर सात के बारे में। हमारे देश में 60-70% लोग, जैसे कि महिलाएं, पुरुष एंड बच्चे, कुपोषित हैं और खून की कमी यानी कि एनीमिया से भी पीड़ित हैं। यदि हम इन सब को मिलेट्स प्रोवाइड करते हैं, खिलाते हैं, तो हम एनीमिया को और कुपोषण को खत्म कर सकते हैं। अब बात करेंगे फायदा नंबर आठ के बारे में। बाकी के बचे 30% लोग मोटापे से, डायबिटीज से और मोटापे से होने वाली कई सारी भयानक बीमारियों से ग्रसित हैं। तो यदि हम इन लोगों को मिलेट्स देते हैं तो कुछ हद तक हम मोटापे को कम कर सकते हैं और जितनी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनको भी कम कर सकते हैं। अब बात करेंगे फायदा नंबर 9 के बारे में। सभी प्रकार के मिलेट्स में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है जो कि कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है, और यदि हम कमजोर हड्डियों वालों लोगों को मिलेट्स देते हैं तो उससे हड्डियों का विकास बहुत अच्छा होगा, उसमें बहुत मदद मिलेगी और हमारी हड्डियां मजबूत बनेगी और हमारे हड्डियों का ढांचा एकदम फौलादी बन जाएगा। तो दोस्तों, जाते जाते आपको बता दूं कि इस ईयर यानी कि 2023 को गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट के रूप में घोषित किया था। ये सबसे अच्छा साल है मिलेट्स को खाने की शुरुआत करने के लिए। इस कॉज को स्टार्ट करने के लिए हमारी भारत सरकार ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफी सहयोग और काफी योगदान अपना दिया है। तो हम सबका भारतीय होने के कारण कर्तव्य बनता है कि हम सब भी इस कॉज में आगे से आगे बढ़कर हिस्सा लें,
जागरूकता बढ़ाएं, पैदावार बढ़ाएं और इस देश को विकास की तरफ आगे ले जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चल गया होगा कि ऑल टाइप्स के मिलेट्स खाने के क्या क्या फायदे होते हैं और किस प्रकार से हम हमारी हेल्थ, हमारी धरती, हमारे देश का विकास कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं मिलेट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करके। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है तो आप सभी को धन्यवाद। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी मिलेट्स की प्रॉपर जानकारी मिल सके और उसके क्या क्या फायदे होते हैं और उसको क्यों हमारे खाने में ऐड करना चाहिए वो इस जानकारी को प्राप्त कर सके। नमस्कार, धन्यवाद।